हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कैंप 2 बैकुंठ धाम मंदिर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच की गई। विजयादशमी पर रावण दहन का आयोजन भी किया गया, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए। लोगों की आस्था के केंद्र बैकुंठ धाम मंदिर परिसर कैंप 2 में नवरात्र का महापर्व पूरे विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मनाया गया। माता की पूजा अर्चना करने प्रतिदिन मंदिर परिसर में लोगों का तांता लगा रहा, जिसके लिए आयोजन समिति द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई थीं। 9वें दिन जवारा विसर्जन किया गया। विधि विधान से हुए जवारा विसर्जन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। विजयादशमी पर आयोजित रावण दहन को देखने हजारों की संख्या में लोग बैकुंठ धाम में एकत्र हुए। यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। भाजपा नेता और पार्षद प्रतिनिधि भोला साहू ने आयोजन की जानकारी दी। कृपया करके भाई डीजे के ऊपर से मत कूदिए भाई, एंगल से हट जाइए भाई। हर साल की तरह इस साल भी बैकुंठ धाम में माता जी विराजमान हुई और हमारे भेराई के बैकुंठ धाम के वार्डवासी अति उत्साह के साथ में पूजा अर्चना हुई और माता जी के विसर्जन में ज्वारा निकाला गया। साथ में काफ़ी संख्या में मोहल्ले वाले थे और अच्छे तरीके से पूजा पाठ और बैकुंठ धाम के लोगों द्वारा हुआ। विजयादशमी मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, बैकुंठ धाम में विजयादशमी का आयोजन होता है और इस साल तो हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे और काफी उत्साह के साथ ये आयोजन हुआ। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।